Subscribe my channel and press the bell icon and never miss any update from FM News. भारत और दक्षिण अफ्रीका की टीमें आज सुपर स्पोर्ट पार्क पर जब आमने सामने होंगी तो दोनों टीमें जीत के सिवाय कुछ और नहीं चाहेंगी। भारत ने पहला मैच जीतकर 1-0 की बढ़त बना ली है, उसकी कोशिश अब अपनी बढ़त को आगे ले जाने की है तो मेजबान टीम की कोशिश बराबरी करने की है। सीरीज से पहले मेजबानों को अब्राहम डिविलियर्स के चोटिल हो जाने से झटका लगा था और अब दूसरे मैच से पहले कप्तान फाग डुप्लेसिस के सीरीज से बाहर होने की वजह से वे और परेशानी में आ गई है। उनकी जगह पर दो मैचों का अनुभव रखने वाले एडन मार्करम टीम की कप्तानी करेंगे। डुप्लेसिस के स्थान पर फरहान बेहतरीन और डिविलियर्स के स्थान पर क्लासेन को टीम में जगह मिली है। पहले मैच में भारतीय कप्तान विराट कोहली ने वनडे में अपना 33वां शतक जड़ा था और उनका साथ अजिंक्य रहाणे ने बखूबी दिया। इन दोनों के अलावा कुलदीप यादव और युजवेंद्र चहल ने मेजबानों को 50 ओवरों में 269 रनों पर 8 विकेट पर सीमित कर दिया था।